हाय गाइस, वेल प्रेगनेंसी को लेके आपने बहुत सवाल पूछ लिए, हमने बहुत सारे वीडियो बना लिए, आप प्रेग्नेंट हो गए और आपने बहुत सारे डॉक्टर्स को फॉलो कर लिया यूट्यूब पे, आपने अपने खुद की डॉक्टर को दिखा दिया, आपका ट्रीटमेंट तो सही चल रहा है, बट कहीं ना कहीं दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या 9 महीने तक और डिलीवरी के बाद भी क्या कोई ऐसी इंस्टीट्यूट है, कोई ऐसी संस्था है जो हमको हेल्प करता रहे, क्योंकि बार बार डॉक्टर से पूछना, यूट्यूब पे पूछना या क्लिनिक में जाना वो पॉसिबल नहीं होता। तो बहुत से जो एजुकेटेड लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, जिनको लगता है हम बच्चे को बेस्ट परवरिश दें, या फिर जब बच्चा पेट के अंदर है तो 9 महीने उसको हम बेस्ट ख्याल दें, बेस्ट इंटेलिजेंस दें, बेस्ट न्यूट्रिशन दें, वो चाहते हैं एक ऐसा ऐप जिसके अंदर उनको ये सब कुछ मिले। मेन बात कहाँ आती है? मेन बात आती है कि बच्चा इंटेलिजेंट होगा कि नहीं। वेल, सबको चाहिए एक इंटेलिजेंट बच्चा, कि बच्चा बड़ा होके अच्छा जॉब करे, पढ़ाई में अच्छा रहे, एक्टिव बच्चा हो, सोशली एक्टिव हो, और सबको चाहिए कि भाई हमारी जीन्स, बेस्ट जीन्स बच्चे में आ जाएँ, और जो हमारे में कमियाँ थी वो बच्चे में ना रहे। अब सब कुछ तो पॉसिबल नहीं है, हर माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चा A1 हो, एकदम सोना पैदा हो, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ तरीके ऐसे होते हैं आपके हाथ में जो कि आप बच्चे के इंटेलिजेंस पे इफेक्ट कर सकते हैं। दादी नानी कहती थी ना कि अभिमन्यु, जो कि अर्जुन का बेटा था, वो पेट से ही सब निकला, सीख कर निकला था, तो जब वो बड़ा हुआ तो उसको सब कुछ आता था, उसको धनुर्विद्या आती थी, बाद में चक्रव्यूह में जो फंसा है वो बात अलग है, लेकिन वो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा था। तो क्या ये सच है? वेल, हंसी आती ना, क्योंकि साइंटिफिक कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको करने से आपके बच्चे के मेंटल IQ पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। इंटेलिजेंस को हम कई तरीके से देखते हैं। IQ में सिर्फ इंटेलिजेंस क्वेश्चन नहीं होता है, उसमें स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी होता है, यानी कि स्पिरिचुअल जो बच्चे की इंटेलिजेंस है वो भी देखी जाती है, इमोशनली वो बच्चा कितना एक्टिव है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना प्रोएक्टिव है इमोशनली, और साथ में एजिलिटी यानी कि बच्चा कितना चपल है, कितना चतुर है और कितना एक्टिव है, तो ये सारी चीज़ें मिला के एक प्रॉपर एक बच्चा इंटेलिजेंट बनता है। अब हम कहते हैं जो हम खाते हैं, जो हम सुनते हैं, जो बच्चों को फैमिली का एटमॉस्फेयर मिलता है, उससे बच्चों की इंटेलिजेंस पे और उनके डेवलपमेंट में बहुत फर्क पड़ता है। आपने देखा होगा जिन फैमिलीज में हस्बैंड वाइफ की लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, या फिर जिसमें माँ बहुत खुश नहीं है, पेट में बच्चा पल रहा है, वो बच्चा हमेशा थोड़ा दबा, थोड़ा सोबर, थोड़ा सा डरा हुआ और कम एक्टिव रहेगा, क्योंकि उसके इमोशनली उसका डेवलपमेंट इतना बढ़िया नहीं हुआ है, और कहीं ना कहीं कोई ऐसे फैक्टर्स हैं ब्रेन के जिसने उसके ब्रेन को डल कर दिया। बहुत से बच्चे डिप्रेशन में भी जाते हैं इस वजह से। तो आज हम आपको बताते हैं कि ये जो ऐप है जो आपको हेल्प कर रहा है वो किस तरह से आपको हेल्प कर रहा है। हम आपको क्यों बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के समय अच्छा खाना खाइए, डाइट बहुत ज़रूरी है, रेस्ट बहुत ज़रूरी है, योगा करिए, फ्रेश एयर एक्सरसाइजेस करिए, ये सब हम आपको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके बच्चे के नॉट ओनली हेल्थी डेवलपमेंट, इवन ब्रेन डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। अब किसी की भी हेल्थ आप सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं देखते, आप मेंटल हेल्थ भी देखते हैं। सो इट इज़ ब्रेन एंड बॉडी बोथ डेवलप टुगेदर, देन इट इज़ अ हेल्दी बेबी। सिमिलरली इंडिविजुअल्स बड़े हैं, उनके लिए भी वो हेल्दी तभी हैं जब उनका ब्रेन और उनका फिजिकल डेवलपमेंट दोनों प्रॉपर हैं। तो बच्चे के लिए एक तो पहली बात, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। स्ट्रेसफुल लाइफ हमेशा बच्चे की ब्रेन के जो कनेक्शन है उनको ख़राब करेगी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च भी हुई थी जिसमें कि प्रूव हो चुका है कि जो लेडीज स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहती हैं उनके बच्चे मेंटली ठीक से डेवलप नहीं हो पाते हैं। सिमिलरली आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज, आपका योगा एंड ऑफकोर्स मेन थिंग आपकी बॉन्डिंग विद योर बेबी। प्रेगनेंसी के समय आप कितना काम कर लें, कितनी पढ़ाई कर लें, कुछ भी कर लें, पर आपको अपने बच्चे के साथ भी थोड़ा टाइम बिताना है, उसको टाइम देना है, उससे बातें करनी है। सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, स्पेशली उन लोगों जिनके पास इस सब चीज़ का टाइम नहीं होता है, बट मैं आपको बताती हूँ किस तरह से ये ऐप, जिसका कि नाम है आई मम्स ऐप, आपको हेल्प कर रहा है ये सब चीज़ें करने में, और आपको पूरी प्रेगनेंसी में लगेगा कि आपके साथ कोई है, आप अकेले नहीं हैं। इस ऐप को लॉन्च हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और इसको 6 लाख, लगभग 6 लाख लेडीज़ यूज़ कर चुकी हैं और अपने लाइफस्टाइल में, अपने जो फैमिली का एनवायरनमेंट है उसको पूरा चेंज कर चुकी हैं, उनको उसमें काफ़ी बदलाव लग रहा है। अब आपको जब आप प्रेगनेंसी अकेले मैनेज कर रहे होते हैं तो आपको लगता है मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, आपको बताने वाला कोई नहीं होता है। कहते ना ह्यूमन बींग्स को जब तक कोई एक डायरेक्शन ना मिले तब तक वो कुछ नहीं करते, स्पेशली जब तक आपको अंदर से कोई इच्छा नहीं जगती है। तो अगर ये ऐप में आपने एनरोल कर लिया है तो आपको डेली एक एक्टिविटी मिलेगी, अगर आप उसको करेंगे तो डेफिनेटली आपका उस दिन का काम पूरा होगा, यानी कि आपको टेंशन नहीं लेनी कि मुझे आज क्या करना है, आपने ऐप को फॉलो किया, आपने जो एक्टिविटी थी आपने वो कर ली। सेकेंड चीज़, यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको सैटरडे और संडे को प्रॉपर गर्भ संस्कार की क्लासेस देते हैं, यानी कि आपको बताते हैं कि बच्चे के लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि हर सैटरडे संडे आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकती, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करेंगी तो डॉक्टर से क्या पूछेंगी, डॉक्टर्स इस बारे में इतना नहीं बताएंगे जितने कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं, पेरेंटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं वो बताएंगे, क्योंकि डॉक्टर्स बेसिकली मेडिकल साइंस पढ़ते हैं और वो बिजी होते हैं अपने पेशेंट्स में, तो वो आपको एज अ पेशेंट देखेंगे, एज अ डॉक्टर आपको मेडिसिन बता देंगे, आपकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सुन लेंगे,
बट एक जो इमोशनल सपोर्ट और सोशल सपोर्ट आपको चाहिए होता है उसमें काउंसिलर्स का काम होता है, क्योंकि काउंसिलर्स डॉक्टर नहीं होते, उनको बोलने का तरीका, उनके समझाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो ये तो हो गए गर्भ संस्कार के एक्सपर्ट्स। इसी तरह से ये लोग डेली आपको योगा और एक्सरसाइजेस भी कराते हैं। योगा में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी हैं, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, फोर्थ मंथ से आपको योगा स्टार्ट कर देना चाहिए, और टुवर्ड्स द टर्म जब आप थर्ड ट्राइमेस्टर में चली गई हैं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस नाइन्थ मंथ में इतनी जरूरी होती है जिससे कि आप नॉर्मल डिलीवरी आराम से करवा सकें। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि भाई इसमें डॉक्टर्स है कि नहीं, अगर मुझे कोई डाउट है तो मुझे अपने डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी कि आई मम्स हेल्प करेगा। तो इसमें क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, ऑब्स्टेट्रिशियंस भी हैं, काफ़ी लोग हैं। तो आप अपने कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगे कि मुझे यहाँ पूछना है तो यहाँ पर आपको इसका क्वालिफाइड डॉक्टर से जवाब भी मिलेगा। तो जाइए इसको सब्सक्राइब करिए, इतना कम रेट है कि मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा है, पूरे 9 मंथ्स आपको हेल्प कर रहे हैं और सब्सक्रिप्शन सिर्फ 899 है, जिसमें कि क्योंकि आप मेरे पेशेंट हैं आप मेरा कोड यूज़ करेंगे। अगर आप इस लिंक पे जो लिंक दिया हुआ है इस पे क्लिक करेंगे तो आपको और एडिशनल 200 रुपीज का डिस्काउंट है। तो इतना सस्ता ऐप जो कि आपको पूरा 9 महीने तक हेल्प कर रहा है, हर तरीके का हेल्प कर रहा है, मतलब इतने पैसे तो हम कहीं भी जाके पानी पूरी खाकर आ जाते हैं। तो अगर इतने से छोटे से सब्सक्रिप्शन से आपकी लाइफ बदल रही है, आपके पूरे 9 महीने आपको लग रहा है कि पूरा एक संस्था आपके साथ चल रही है, आप अकेले नहीं है, तो वाई नॉट। तो प्लीज़ इसको डाउनलोड करिए, तो जाइए इसका फ़ायदा उठाइए, इतना बढ़िया ऐप है, और आप मेरा डिस्काउंट 200 रुपीज़ का जो एक्स्ट्रा मिल रहा है उसका यूज़ करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, आपके व्हाट्सएप नंबर पे ये अपने आप इसका लिंक और इसका डिस्काउंट कोड आ जाएगा। तो आप इसको यूज़ करिए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा, क्योंकि डेफिनेटली जितने फ़ायदे मैंने बताए हैं वो फ़ायदे आपको किसी और ऐप में नहीं मिलेंगे। हाय मॉमीज, let's see what the iMoms app is all about. You get weekly updates on pregnancy with all the growth, milestones and symptoms of the week and handy tips as well. You have access to a huge array of curated pregnancy meal plans, live sessions and daily activities for pregnancy meditation and yoga. What's more, a panel of medical experts are there to answer all your questions within 15 minutes of you posting them. So what are you waiting for, Mama? Download the iMoms app now.